हेलो एवरीवन, तो यार बहुत सारे स्टूडेंट ना एमसीसी की काउंसलिंग कर रहे हैं। राउंड वन का रेजिग्नेशन तो डेट खत्म हो गया कल, 1 नवंबर को 5 बजे तक का था रेजिग्नेशन का डेट। अब यार एक एग्जांपल की टर्म्स पे अगर हम बात करें, एक कंडीशन अभी भी ऐसी है जिसपे सारे लोग फंस रहे होंगे। अगर आपने ऑल इंडिया क्वालिटी का कॉलेज ले रखा है और वो कॉलेज आपको पसंद नहीं आ रहा है, रेजिग्नेशन का डेट खत्म हो गया, मैंने रिजाइन भी नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने वीडियोज बनाई थी, बहुत सारी बातें हुई कि भैया अपग्रेडेशन वालों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक केस पे टेंशन लेने की जरूरत है कि अगर आपको जो कॉलेज राउंड वन में ऑल इंडिया कोटे 15% की काउंसलिंग में अलॉट हुआ था, अगर वो अपग्रेड नहीं होता है राउंड टू में, तो आप रिजाइन नहीं कर सकते हैं। आप अपना सिक्योरिटी मनी छोड़ के एग्जिट एक तरीके से दूसरे कॉलेज को, स्टेट कोटे के राउंड वन के कॉलेज को नहीं ले सकते, अगर कॉलेज सेम बना रहता है तो। दूसरी चीज, अब जैसे यूपी की काउंसलिंग चल रही है पैरेलल, तो यूपी की काउंसलिंग में क्या है ना कि अभी एक देख रहे थे कि सर वो तो जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उस दिन लास्ट डेट है रिपोर्टिंग की, 11 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है ऑल इंडिया कोटा राउंड टू का, और स्टेट कोटा यूपी का राउंड वन का रिजल्ट 11 को आ रहा फाइनल, मतलब 11 को लास्ट डेट थी, सॉरी लास्ट डेट 11 को थी रिपोर्टिंग की। सबसे पहले बताऊं यूपी वालों को, यार अपडेटेड रहो, शेड्यूल अपडेट कर गया है, यहां पे जाके देख लो, ये यूपी का शेड्यूल दे रखा है, ठीक है ना। 1 तारीख तक तो देखो डॉक्यूमेंट्स का या जो सिक्योरिटी वगैरह का चक्कर था वो सारा आ गया था, ठीक है ना। और उसके बाद में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की डेट 3rd of November से 7th of November तक कर दिया गया है, रिजल्ट निकालने की जो डेट है 8th से 9th नवंबर के बीच में है, रिपोर्टिंग की जो डेट 7 से 11 थी वो 9 से 13 कर दी गई है, और जरूरत पड़ी तो ये डेट एक्सटेंड भी की जाएगी, बिकॉज अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटे के थ्रू, मैं एक केस पूरा समझा देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। राउंड वन में आपने सीट अलॉटमेंट ले ली, कुछ लोगों ने लॉक किया था अपना, रिजाइन कर दिया। अब जो लॉक है उस केस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं अपग्रेडेशन की बात कर रहा हूं। आपने अपग्रेडेशन किया तो आप ऑल इंडिया कोटे के राउंड टू में आप जाओगे, आप चॉइस प्लेइंग करोगे, आप पार्टिसिपेट करोगे। अगर कॉलेज सेम बना रहता है तो आप सीट को छोड़ नहीं सकते हैं। ये रूल मैं आपको पहले दिखा देता हूं एक एक करके, ये रूल कहां पे दिया हुआ है, ये रूल यहां पे दिया हुआ है जो रेजिग्नेशन वाला लेटर था केस नंबर 2 पे, इन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है, इन केस कैंडिडेट गिव्स कांस्टेंट फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 2 पार्टिसिपेट इन राउंड 2 काउंसलिंग बट इज नॉट अपग्रेडेड, ही और सी कांट रिजाइन द सीट इन राउंड 2 एंड विल हैव टू रिटेन द सीट, जो सीट मिला था उसको फिर वही लेना पड़ेगा। इन केस ऑफ राउंड 2 विल बी अप्लाई द सिंस द कैंडिडेट हैज एक्सरसाइज चॉइसेस एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 2, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ रेजिग्नेशन इन कैंडिडेट इज नॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2, राउंड 1 ज्वाइंट कैंडिडेट हु नीदर पार्टिसिपेट इन राउंड 2 नॉर रिजाइन द सीट इन राउंड 1, जो उसको सीट मिला था वो उसको सीट लेना पड़ेगा। तो ये रूल आप यहां से जाके देख सकते हैं, है ना। अब वापस आ जाते हैं, तो अब अगर हमको, अब हमको क्या करना है, हमको स्टेट के थ्रू सिर्फ बढ़िया वाला कॉलेज मिल रहा है, अभी तक हमको पता नहीं था, तो पहले तो आप कोशिश करो कि आपको ऑल इंडिया कोटे के थ्रू वाला कॉलेज मिल जाए। अगर वो नहीं मिलता है तो आप अपने स्टेट में कैसे करोगे, मुद्दा ये है कि हमको ऑल इंडिया कोटे में राउंड 2 के बाद रेजिग्नेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भैया मिलेगा, रेजिग्नेशन मिलेगा, परेशान मत हो। सबसे पहले अगर आप एक स्टेट के, एक मैंने कंपेरिजन किया है यूपी के स्टेट का एग्जाम्पल लेके, हो सकता है आपके स्टेट में भी सेम सिचुएशन आए। सबसे पहले इस चीज़, तो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट हो जाते हैं ओरिजिनल, जब सीट आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हो, तो ये मोस्टली मैं गवर्नमेंट कॉलेज वाले के लिए बात कर रहा हूँ। तो रिजल्ट की डेट क्या है, 9 से 10 के बीच में प्रोविजनल दे देंगे, 11 तक फाइनल दे देंगे, ठीक है ना। अब जो अपडेटेड शेड्यूल आया है उस अपडेटेड शेड्यूल के हिसाब से 8 से 9 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। तो 9 का डेट ये जो है ये कॉमन है, इस डेट को आप रिजल्ट देख लो दोनों का, ऑल इंडिया का और स्टेट का। और एक काम तो आप कर ही लो कि आप पहले से ही निकल जाओ, जो आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट है आप सीधा सीधा जिस दिन रिजल्ट निकले उस दिन पहुंच जाओ। और पहुंचना कब है भैया, 11 को, 11 को आप पहुंच जाना, डिले मत करना क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं होगा। 11 को आप पहुंच जाओ और 11 को ही नोटिस आ जाएगा ऑल इंडिया कोटे में, अदरवाइज इधर का शेड्यूल और एक्सटेंड कर जाएगा, तो आपके पास टाइम बचेगा प्रॉपर कि आप यहां से सीट छोड़ दो। हाँ, अब सीट छोड़ेंगे कैसे, अगर हमारा कॉलेज चेंज हो जाएगा तो हम सीट छोड़ सकते हैं, उसका भी रूल मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हमको सीट दूसरी मिल जाती है
है ना, तो हम कॉलेज को छोड़ सकते हैं। ये यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन है, इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। यहाँ पर एक जगह क्लियर दिया था कि सीट को आप जो पैसा है वो फॉरफिट करके निकल सकते हैं। एक सेकेंड, अब बात आती है कि जो हमको राउंड टू में ऑल इंडिया कोटे में मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई स्टेट कोटे के लिए अपनी एलिजिबिलिटी बनाना चाह रहा है तो वो एग्जिट, देखो दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा एग्जैक्टली वर्ड्स, इफ अ कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड टू, ऑल इंडिया कोटे में उसको राउंड टू मिलता है, बट नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ही और सी कैन एग्जिट विद फॉरफिट ऑफ फीस। जो भी उसका सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो रिफंडेबल नहीं होगा, जो रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरफिट, तो मतलब उसका पैसा जब्त हो जाएगा। पहले तो उसकी एलिजिबिलिटी बनी कि वो उस पर जा सकता है, वो फॉरफिट करके बच सकता है, तो ये चीज यहाँ पर क्लियरली लिखी हुई है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। फिर आपको जब यहाँ से डेट वो रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटे से, आप अपना यहाँ से अपना इस अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे जाना है, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके जो पहले में मिला था, डॉक्यूमेंट्स लेके सीधा यहाँ पे जाना है, जो आपको यहाँ पे 9-10 को अलॉटमेंट आई होगी वहाँ पर जाकर आप अपना फिर सीधा रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी चला जाएगा यार, ये क्लियर। बस एकमात्र रास्ता बचा है जिसपे आप जा सकते हो। इस वीडियो पे अगर यार कुछ भी मैं गलत कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई और ऐसा कुछ कह रहा है, तो आप मुझे वो वीडियो का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पे उस पे शेयर कर देना कमेंट वगैरह पे, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो हमारे नंबर पे। कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि सर ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसा होगा, और मैं बोलूंगा कि यार पेशेंस रखना बिकॉज राउंड टू, एक चीज मैंने देखो यहां पर बिल्कुल एकदम मिड पे रखी हुई है, शेड्यूल चेंजेस होने के चांसेस बहुत होते हैं, है ना, तो शेड्यूल बहुत अपडेट होता रहेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। हाँ, ये 11 से हो सकता है नोटिस ना दे, 11 की शाम को दे देंगे, ये करेंगे, थोड़ा सा आपके ऊपर और प्रेशर बनेगा, आप और परेशान हो जाओगे, यार नोटिस तो आज भी नहीं आया और डेट आपकी 13 तक है, हो सकता है 12 की शाम को नोटिस दे, तो उस दिन जैसे ही नोटिस आएगा आप डॉक्यूमेंट्स लेके सीधा रिपोर्ट करोगे और इधर आपकी धीरे से डेट एक्सटेंड हो जाएगी। इस बार भी देखा था ऑल इंडिया कोटे में डेट एक दिन की एक्सटेंड हुई थी रिपोर्टिंग के लिए, है ना, तो आगे भी डेट का एक्सटेंशन बना रहता है, ये भी ऑल इंडिया कोटे को मालूम होता है कि बच्चा बीच में फंस रहा है, पहले तो कोशिश करते हैं कि अपना प्रेशर मेंटेन कर दो कि बच्चा जाके सीट ले ले, ठीक है ना। तो वीडियो आज की यहीं तक, कुछ भी डाउट क्वेरीज कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको लग रहा है कि सर आपने ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताओ विद प्रूफ। तो मैंने जो जो चीजें कही हैं वो सारे मैंने प्रूफ बैकएंड पे दिखाए हुए हैं, सारे ऑफिशियल हैं, सारी वेबसाइट्स लिए हैं। वीडियो आज की यहीं तक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन पे डाल दिया है, ये चीज उनको नहीं मालूम है कि अगर राउंड टू में सेम रहेगा तो हमको लेना पड़ेगा, बिकॉज ये रेजिग्नेशन वाले नोटिस पे लिखा है, कहीं और लिखा ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।